हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में बात करने वाला हूं। अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट आई है यहां पे रेलवे में, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। नोटिफिकेशन यहां पे मैं डिस्कस करूंगा, फुल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा गाइस, और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जॉब अपडेट आप सभी को पसंद आए। जो भी यहां पर देख रहे हैं प्लीज़ लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे जब भी मेरे चैनल पर कोई भी अपडेट आए। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है रेलवे की तरफ से, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ आपको, बीटेक डिप्लोमा यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए। डिप्लोमा और बीटेक के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा अभी। और यहाँ पर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, बिल्कुल आपका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, यहाँ पर डायरेक्ट आपकी जो मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 135 वैकेंसी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए, बिकॉज अप्रेंटिसशिप करने के लिए 135 पोस्ट बहुत होते हैं। जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप में रेलवे में, तो आप इजीली यहाँ पर फॉर्म फिल करके जा सकते हो, ठीक है। अप्रेंटिसशिप की जॉब है पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। अब चलो यहाँ पर नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर और क्या मेंशन किया गया है, ठीक है गाइस। तो मैं नोटिफिकेशन की तरफ आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ, एक मिनट वेट करना। सो गाइस, ये नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर रेलवे की तरफ से आई आप देख सकते हो, KRCL की तरफ से आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जो एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग अप्रेंटिस अंडर अ नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, तो नेट्स के थ्रू आप लोग यहाँ पर जाओगे। या आप सभी को पता है कि जो ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग जो करवाती है नेट्स के थ्रू ही जाते हैं हम लोग अप्रेंटिस में, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर गाइज नंबर ऑफ पोस्ट की और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सारा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं गाइज नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद मैं बताऊँगा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, लेकिन और भी डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले गाइज यहाँ पर अगर बात करें, देख सकते हो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया, कैसे डिवाइड किया मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लो गाइज जो पोस्ट डिवाइड किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट आप देखो अगर, तो यहाँ पर बी सिविल और बी इलेक्ट्रिकल एंड बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, बीटेक के लिए। तो सबसे पहले आप ये देख लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सिविल के लिए कितनी है, 30 है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड किया गया है कैटेगरीज वाइज, तो उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरीज वाइज कैसे यहाँ पर डिवाइड किया, कैसे यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप देख लो यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, वहाँ पर सबसे पहले यूआर की बात करें 6 पोस्ट है, ओबीसी की बात करें 5 पोस्ट, एंड एससी की बात करें 3, एंड एसटी की 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ जो पोस्ट है 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितना हो गया, 17 पोस्ट हो गया, ठीक है। ये पोस्ट नहीं, पोस्ट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर क्या हो गया, 17 पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर नीचे देख लो यहाँ पर, फिर यहाँ पर टोटल, ये तो महाराष्ट्र का हो गया। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अलग अलग सिटीज वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किया गया पोस्ट। यूआर के लिए देख लो यहाँ पर कितनी है, 3 पोस्ट यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए सिर्फ यहाँ पर कोई पोस्ट, एक पोस्ट अवेलेबल है, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं है। टोटल नंबर पोस्ट यहाँ पर दिया गया 5, ओके। अब यहाँ पर बात करें कितने पोस्ट है यूआर के लिए, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 8 पोस्ट दिया गया, ठीक है। यूआर के लिए 3 है, और ओबीसी के लिए 2, एंड एससी के लिए 1, एससी के लिए 1 एंड एसटी के लिए भी 1 यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 ही अवेलेबल है, जैसे कि उसमें अवेलेबल था, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कितना पोस्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, तो 6 पोस्ट आप देख लो यहाँ पर यूआर है, ओबीसी की पोस्ट बात करें 5 है, एंड एससी की बात करें 3, एंड एसटी की बात करें 1 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया, यहाँ पर 17 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पर 17 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी डिवाइड किया गया, 3 ने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 दिया गया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो यहाँ पर देख लो 13 पोस्ट यहाँ पर टोटल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देख लो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हो। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर यहाँ पर जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया गया, सिर्फ 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, टोटल पोस्ट यहाँ पर 3 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, जो मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं उनके लिए बात कर ले गाइज, तो उनके लिए यहाँ पर 5 नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 5, जिसमें कि यूआर के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है, एंड एससी के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर बात करते हैं डिप्लोमा की, ये तो होगी बात बीटेक की। अब डिप्लोमा की बात करते हैं, डिप्लोमा में कैसे डिवाइड किया गया। डिप्लोमा में देख सकते हो सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, दो ही ब्रांच है, ठीक है। तो टोटल हमारा पोस्ट यहाँ पर 12 हो जाएगा अगर बात करें सिविल के लिए, और बात करें अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट हो जाने वाली है 15। टोटल हमारा पोस्ट यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 5 दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया, और यहाँ पर 7 और 10 दिया गया है, ठीक है। तो इतने सारे जो पोस्ट है वो डिप्लोमा के लिए दिया गया, ऊपर जो पोस्ट मैंने देखा है वो सिर्फ बीटेक बीटेक के लिए दिया गया था, ओके। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 135 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया, ठीक है। 135 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 28 पोस्ट टोटल यहाँ पर पोस्ट मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज नीचे में कि और क्या डिटेल्स मेंशन किया गया, तो चलो नीचे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपकी क्वालिफिकेशन है आपकी बीटेक बी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया सिंपली, आप देख सकते हो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तभी आप इलेक्ट्रिकल के लिए भर सकते हो, एंड पावर एनर्जी इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई AICTE, ओके। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया आपके पास अगर बीटेक की डिग्री है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। मैकेनिकल के लिए भी सेम यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो सेम दिया गया, और साथ ही साथ बाकी सारे जो दिया गया वो भी सर यहाँ पर सब देख सकते हो सेम ही दिया गया। इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांच के लिए यहाँ पर सेम क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे आते हैं गाइस, नीचे देखते हैं, नीचे अगर बात करें तो एज लिमिट आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। एज लिमिट क्या दिया गया, आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर होनी चाहिए। अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एज की बात हुई, और यहाँ पर देखते क्या दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाली है मार्क्स बेसिस पे होने वाली, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। आप देख सकते हो द कैंडिडेट्स विल बी अ सेलेक्टेड फॉर अ ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ अक्योरिंग ऑफ अ BE और डिप्लोमा इन अ रिलेवेंट फील्ड, ओके। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था आपको जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो यहाँ पर कैसे होने वाला है, वो यहाँ पर मार्क्स बेसिस पे होने वाला है, ओके गाइस। तो अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे चलते हैं, नीचे देख, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर रेडी रखना है। तो आपको यहाँ पर एक्टिव ईमेल आईडी रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, आधार कार्ड आपका बिल्कुल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फॉर्म फिल करने में ये सब वहाँ पर यूज़ होगा, आधार नंबर वहाँ पर मांगा जाएगा, ओके। अब यहाँ पर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ये साइट यहाँ पर मेंशन किया है, देख सकते हो यहाँ पर साइट मेंशन कर दिया है रेलवे ने अपना, इस साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ओके। नीचे भी देख सकते हो, नीचे भी लिंक दिया गया है, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हो इस साइट पे, ओके। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप साइट पे जाना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने का, ओके। अब यहाँ पर फॉर्म फी की बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लो फॉर्म फी आपकी क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूँ, जो अगर आप OBC या आप UR से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप ST SC या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो अपना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फीस भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट मोड आपका होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, देखो पेमेंट मोड यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू अ इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स विल बी एक्सेप्टेड अप टू 18th November यहाँ पर दिया गया, ठीक है। 18th November तक आपका एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो 18th November तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही लंबे टाइम में आप इजीली आराम से आप सोच कर भर सकते हो फॉर्म, बहुत ही लंबे टाइम यहाँ पर दिया गया फॉर्म फिल करने के लिए। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कर दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।